एक ऐसी चीज है जो लेजीनेस का बीटर है, मतलब लेजीनेस को बीट करने वाली चीज है, लेजीनेस को डिफीट करने वाली चीज है, आउट राइट डिफीट करने वाली चीज है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, देखते हैं आप में से कौन वो पॉइंट कैच करता है। एक शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है जमात से, उसके दिल में मोटिवेशन आता है कि मैं नमाज पढ़ने जाऊं जमात से नमाज पढ़ूं, यू गेट मोर रिवॉर्ड, 27 टाइम्स मोर रिवॉर्ड, ब्रदरहुड एस्टैब्लिश होता है, कंधे से कंधा किसी से मिला के खड़े हो रहे हो, तो वो हाई एंड लो, ऊंच नीच खत्म हो रही है, सोसाइटी मिल रही है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो अब वो जब सोचता है कि मैं जाऊं, तो जो फर्स्ट डे जाता है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, सुबह का वक्त है, हो सकता है दिसंबर का महीना है, ठंडी का सीजन है, लेकिन सोचा हूं मैं जाऊंगा। अब वो जा रहा है, ही रियली हैज टू स्ट्रगल कि अस्सलातु खैरु मिन नौम, सुन रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है, तो लेट मी गेट आउट, उठा। फर्स्ट दिन गया ना, बहुत स्ट्रगल किया, सेकेंड डे स्ट्रगल किया, पहले दिन से थोड़ा सा कम, थर्ड डे स्ट्रगल किया, फर्स्ट दो दिन से और कम। बाय द टाइम वो 21st डे पहुंचता है, 21 दिन तकरीबन, एक्सपेरिमेंट्स में ये आया है कि एक हैबिट फॉर्म होने में 21 डेज नॉर्मली लगते हैं, 21 डेज तक जब वो पहुंचा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कोई डिफर कर सकता है, तब वो जब नॉर्मली पहुंच रहा है, अब वो चीज जो करना फर्स्ट डे उसको जितना स्ट्रगल करना पड़ा था, जितना अपने आप को मारना पड़ा था, बाय द टाइम वो 21st डे पहुंचा है, अब वो आसानी से उठ के जा रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है इसमें? एक पॉइंट है, आप में से कौन बता सकता है? कंसिस्टेंसी। ओके, और बताइए, थिंक मोर। ओके, और बताइए। हाँ, ओके, और बताइए, कौन सी वो चीज है जो लेजीनेस बीटर है, लेजीनेस को सॉलिड बीट करने वाली, कौन सी वो चीज है जो उसके पास वहां पे आ गई थी 21st डे? इंटेंशन, रिजल्ट, और बताइए, स्ट्रगल, और बताइए, हाँ, डिटर्मिनेशन, और बताइए, मोटिवेशन, और बताइए, हाँ, हैबिट, हैबिट। यहां पे हैबिट नहीं थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, यहां पे इसके पास एक चीज है, ये चीज उसकी हैबिट बनी है, आदत बनी है, अब उसको उतना जंग नहीं लड़ना पड़ा, अब उसकी सुस्ती को ओवरकम करना उसके लिए बहुत आसान हो गया। इससे क्या पता चलता है? एक चीज है जो सुस्ती को बीट करती है एनी टाइम, और वो है आदत। बोलते हैं ना, इंसान तो आदत का गुलाम होता है, हाँ, तो अच्छी आदत का गुलाम होना कोई गलत बात है, अच्छी आदतें हो इंसान के पास तो वो आदतें उसे काम आएगी, गुड हैबिट्स। तो आप जब कोई चीज कर रहे हैं फर्स्ट डे, इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप, कंप्लीशन तक पहुंच रहे हैं, तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, मेक इट योर हैबिट, वो चीज को अपनी आदत बनाए। मिसाल के तौर पर आपकी आदत है कि मैं मॉर्निंग में बैठता हूं, बुक खोलता हूं और पढ़ता हूं, फर्स्ट डे स्ट्रगल, फर्स्ट डे स्ट्रगल, सेकेंड डे उससे कम कम कम, थर्ड डे और कम, 21st डे तक अब आपकी हैबिट बनी है। अब 21वें दिन जब आप उठ रहे हैं और आ रहे हैं, तो क्या होगा मालूम है आपको? अब आपकी सुस्ती जो फर्स्ट दिन आपके साथ लड़ रही थी, जिहादुल नफ्स कहते हैं, यू हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट योर सोल, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, बस बाहर निकलूं मैं, अब 21st डे बहुत आसानी से आप आके बैठ गए और आकर के पढ़ाई करना शुरू की। लेकिन पता है आपको, ये हैबिट जो है ना, इसको वैल्यू करना होता है, इसको वेस्ट नहीं करना होता है। हैबिट का क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है? हैबिट जाने में भी टाइम नहीं लगता है, एक हैबिट दूसरी हैबिट से सब्स्टिट्यूट होने में भी टाइम नहीं लगता है। सुस्ती की भी हैबिट होती है, सिर्फ एक्टिविटी की हैबिट नहीं होती है, ये हमारे डिपार्टमेंट वाली चीज नहीं है, ये कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकती है, हाँ, सुस्ती का डिपार्टमेंट भी इसको खींच के ले सकता है। तो फिर क्या हुआ, 21st डे आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, हाँ, अब आपके दिल में आ रहा है, अभी आज थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं, ओके। फिर सेकेंड डे क्या हुआ उसके बाद, अब आज भी थोड़ा सा और ब्रेक ले लेता हूं, हाँ, अब हो गए, वहां दूसरी हैबिट स्टार्ट हो गई है,
अब हैबिट हो रही है जो वो हैबिट को बीट करने वाली हैबिट है। अब वो जो आपके पास आ गया था गोल्डन गूज, जो अंडे दे रहा था रोज, अब वो गोल्डन गूज जा रहा है हाथ से। हाँ, तो क्या है मामला, वो हैबिट अभी चेंज हो रही है, अब दूसरी हैबिट आ रही है। तो समझदार इंसान वो होता है जो अपनी हैबिट को, जो अच्छी आदत है उसको जाने नहीं देता है हाथ से, उसको हाथ से जाने नहीं देता। तो क्या होगा कि तबीयत थोड़ी सी खराब है लेकिन आई विल नॉट लूज माई हैबिट, मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, आदत ही बताइए, आदत डेली वाली होती है या उसका कोई और फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है? डेली होना जरूरी है आदत? हाँ, आदत वीकली भी हो सकती है कि मैं हर सैटरडे मॉर्निंग ये करता हूँ, हर फ्राइडे इवनिंग ये करता हूँ, हर संडे मैं ये करता हूँ। हैबिट वीकली हो सकती है, हैबिट मंथली हो सकती है, हैबिट ट्वाइस अ डे वाली हो सकती है। हैबिट है, वो आदत है, वो आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। आदत जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। आपके पास गोल्डन गूज है, वो आपको गोल्डन अंडे रोज दे सकता है लेकिन उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसको जाने दिए ना तो चले जाएगा, कोई भी पड़ोसी ले लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रेशियस चीज़ों को वैल्यू करना। हैबिट एक बहुत प्रेशियस चीज़ है, उसको अगर कभी कभार स्ट्रगल करने करके भी रिटेन करना पड़े ना तो करना चाहिए। और कभी एज एन एक्सेप्शन छूट गया आपकी हैबिट का जो है, मान लो आपकी हैबिट है 6 days a week की हैबिट है, 7 days नहीं, ये भी हैबिट हो सकती है कि मैं 6 दिन ये करता हूँ, 7वें दिन ब्रेक लेता हूँ, फिर 6 दिन ये करता हूँ, फिर 7वें दिन ब्रेक लेता हूँ, फिर 6 दिन ये करता हूँ, 7वें दिन ब्रेक लेता हूँ, गुड, अच्छी है, चलेगी। मैं ट्वाइस अभी ये करता हूँ, थ्राइस अभी ये करता हूँ, गुड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भी उसकी ट्यूनिंग है वो मेंटेन रखिए, उसको जाने मत दीजिए ताकि आपकी वो चीज़ छूटे नहीं। और ये चीज़ आपका लेजीनेस को बहुत ज़ोरदार बीटिंग देती है, बहुत ज़ोरदार बीट करने वाली चीज़ है। ओके, ये हो गया हमारे फोर्थ पॉइंट। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।